हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टा रिव्यूज। तो आज बात करने वाले हैं आर्या वेब सीरीज के बारे में, जिसका सीजन 3 रिलीज हो चुका है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। फ्रेंड्स, डिटेल में बात करेंगे कैसी थी वेब सीरीज, क्या ये अप टू द मार्क थी सीजन 1 और सीजन 2 के मुकाबले में। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर कोई भी इस चैनल पर नया आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे कि आर्या का सीजन 1 और सीजन 2 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और उसका अब सीजन 3 न्यूली रिलीज किया गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। और ये वन ऑफ द मोस्ट वॉच वेब सीरीज है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की, या ऐसा कह लीजिए कि बहुत जबरदस्त वेब सीरीज है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की, जिसमें आपको सुष्मिता सेन लीड रोल में नजर आती हैं। और भाई, सुष्मिता सेन आप जानते ही हैं सीजन 1 और सीजन 2 में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो एक गैंगस्टर बन चुकी थी सीजन 2 के एंड तक आते आते। और अब फ्रेंड्स, सीजन 3 की स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां से सीजन 2 की स्टोरी खत्म हुई थी, यानी कि जहां पर उसने शेखावत की बहू को मारा था, जो कि थी नंदिनी। अब नंदिनी का हमें पति दिखाया गया था सूरज, जिसने फ्रेंड्स फोन करके धमकी दी थी कि आर्या को कि वो उसके सभी परिवार वालों को नष्ट कर देगा और उसे भी खत्म कर देगा, जिसने भी नंदिनी को मारा है। और अब फ्रेंड्स, उस धमकी से आगे ये पूरी वेब सीरीज चली है सीजन 3। लेकिन भाई, सीजन 3 के मुझे लगता है अभी इसके सारे एपिसोड रिलीज नहीं किए गए, इसकी ओनली एंड ओनली 4 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और उसके आगे की स्टोरी भी तैयार है। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये एक न्यू प्रमोशनल स्ट्रेटजी है आजकल डिज्नी प्लस हॉटस्टार की। पहले द नाइट मैनेजर भी आई थी तो उसके भी 4 एपिसोड्स ओनली रिलीज किए गए थे, उसके बाद उसका पार्ट 2 रिलीज किया गया था, लेकिन पार्ट 2 उससे ज्यादा धमाकेदार था। तो भाई, अब आर्या का भी सीजन 3 का ओनली फर्स्ट पार्ट रिलीज किया गया है, लेकिन अभी इसका भाई पार्ट 2 का बताया नहीं गया कि पार्ट 2 कब आएगा। उसमें भी मुझे लगता है 4 या 5 एपिसोड तो जरूर होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, पार्ट 1 की भी अगर बात करें तो बहुत अच्छा था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, सूरज अब पड़ चुका है आर्या के पीछे, तो भाई वो एक एक करके आर्या के बहुत सारे बंदों को मारता जा रहा है और उनके पीछे पड़ा हुआ है कि कैसे ना किसी तरह वो आर्या को पकड़ ले और आर्या को मार डाले। और अब फ्रेंड्स, इसी बीच हमें खान इंस्पेक्टर भी दिखाया जाता है, जो कि सीजन 1 और 2 में भी था, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर। अब भाई, वो एक ऐसा इरिटेटिंग कैरेक्टर है जो कि सीजन 1 और सीजन 2 में भी बहुत ज्यादा इरिटेट करता था जब भी वो आर्या के पीछे पड़ता था। और अब जैसे कि वो सीजन 3 में भी आर्या के पीछे पड़ता है तो बहुत इरिटेटिंग फैक्टर लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसी का तो मजा है, जब हम खान को देखते हैं तो मजा आता है कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है यहाँ पर वेब सीरीज में। और उसके बाद हम देखते हैं, इस बार बहुत सारे लोगों के बहुत सारे खबरी हैं, आर्या ने अपने खबरी रखे हुए हैं पुलिस में, पुलिस वालों ने अपने खबरी रखे हुए हैं आर्या के पास। तो इसी से मिलजुल कर ये पूरी वेब सीरीज बनी है, इसका सीजन 3 का फर्स्ट पार्ट। और फ्रेंड्स, पार्ट 1 के खत्म होते होते आप ये देखेंगे कि क्या आर्या सूरज के ऊपर हावी होती है या सूरज आर्या को मारने में सक्सेसफुल रहता है। तो ये सारी स्टोरी थी फ्रेंड्स अभी तक इसके पार्ट 1 की। और अब फ्रेंड्स, अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन बहुत ही जबरदस्त की गई है, एज ऑलवेज जो सीजन 1 और सीजन 2 में डायरेक्शन की थी उसी को पूरी मैच करती है यहाँ पर, उससे बिल्कुल भी नीचे नहीं गई है डायरेक्शन। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं दाद देना चाहूंगा डायरेक्टर की। और इसके बाद अगर एक्ट्रेस के परफॉर्मेंसेस में बात करें तो उसमें भाई सबसे ऊपर नाम रहेगा सुष्मिता सेन का, जो कि पूरी वेब सीरीज सुष्मिता सेन पर बेस ही बनाई गई है। और सुष्मिता सेन ही यहाँ पर एकमात्र ऐसी करेक्टर है जो पावरफुल करेक्टर के रोल में हमें नजर आती है। उसके साथ साथ भी बहुत ज्यादा करेक्टर्स दिखाए गए हैं, लेकिन सुष्मिता सेन एक पावरफुल करेक्टर दिखाई गई है आर्या वेब सीरीज की। और इसके साथ साथ अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूजिक भाई सीजन 1 और सीजन 2 में भी बहुत जबरदस्त था, और सीजन 3 में भी जो पीछे से हल्का हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक बजता रहता है, जो हमें सॉन्ग दिखाया गया है पीछे बजता हुआ, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सोलफुल म्यूजिक बजाया गया है, मतलब जो इसकी जान है पूरी वेब सीरीज की। तो इसीलिए इस वेब सीरीज को रेटिंग देना चाहूंगा 5 में से 4 स्टार्स रेटिंग। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।